हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त महात्माओं को संतों को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है, हमारा वंदन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, वंदन है, और हमारे प्रिय सत्संग प्रेमियों को गुरु का बहुत सारा शुभ आशीष और बहुत सारा स्नेह। अभी हम लोगों का गुरु कृपा से भीमताल जाना हुआ था तो देखा कि नेचर तो बहुत सुंदर है और बहुत साइलेंट है, पर मनुष्य जो है उसकी जो प्रकृति है तो वो बहुत अप एंड डाउन है। तो आप नेचर की तरफ देखें, वहाँ बहुत कमरे से लेक दिखाई पड़ती थी, बहुत सुंदर था सब कुछ। तो नेचर की तरफ देखें तो मन प्रसन्न होता है, लोगों की तरफ देखें तो मन राग द्वेष आत्मक होता है, नहीं? तो बहुत सुंदर प्रकृति थी, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग पहले भी गए थे, जब पिछली बार गए थे नैनीताल, तो नीम करौली बाबा हैं वो, जो उनकी समाधि बनी हुई है वहाँ, तो पहले भी दर्शन करने गए थे वहाँ। तो जो वहाँ बहुत विजिटर्स आते हैं, तो जो वहाँ पहले वाइब्रेशंस थे आज से 5-7 साल पहले, वैसे ही वाइब्रेशन आज भी थे। तो अगर कोई तप करता है, जप करता है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि सालों साल तक वहाँ शांति बनी रहती है, इतना भारी प्रभाव होता है उसके जप का, उसके तप का। जितने ही बच्चे बैठे, हम लोगों ने वहाँ बैठ के जप किया, थोड़ा मेडिटेट किया, और बच्चों ने भी जब मेडिटेट किया तो सबका यही एक्सपीरियंस था कि वहाँ बहुत शांति थी, बहुत मन शांत था वहाँ। तो अगर हमारा अपना मन शांत है तो जितने भी लोग आएंगे वो शांति को महसूस करेंगे। भाई सब विजिटर्स सब तरह के आते हैं, जो लोग आते हैं विजिटर्स कह लीजिए, प्रेमी कह लीजिए, जो भी आते हैं सब तरह के आते हैं, तो सबको शांति अनुभव हो रही है। क्या कारण है, शांति क्यों अनुभव हो रही है? क्योंकि किसी ने वहाँ तप किया है, वो किसी की तपोस्थली है, किसी संत की। तो आज भी वो लोगों के मन को स्थिर कर देती है, शांत कर देती है। अब हम एक घर में रहते हैं तो वहीं हमारा मन शांत नहीं रहता, उनके बीच में ही हमारा मन शांत नहीं रहता, हम एक घर के वाइब्रेशन को इफ़ेक्ट नहीं कर पाते। देखिए, हम एक घर के वाइब्रेशन को इफ़ेक्ट नहीं कर पाते, हमारी अपनी वाइब्रेशन कैसी है? जो संत तप करते हैं, जप करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन कैसी होती है? बिल्कुल राग द्वेष रहित, एकदम शांत। तो वो शांति जो है पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, और आज भी है, इतने साल बाद भी। शायद मेरे ख्याल से 78 में उनका शरीर शांत हुआ ना, 78 में, और अब 2022 है, 80 मतलब 42 ईयर्स हो गए, 40 साल के बाद भी वही शांति है। तो कितना भारी उनका ऑरा वाइब्रेशन रही होगी। लोग तो खैर कामना मांगने जाते हैं, उनसे मतलब नहीं, पर हम तो उनकी वाइब्रेशन फील करने गए, शांति उनका वो फील करने गए, उनका ऑरा। जैसे लोग कहते हैं सत्संग भवन में आते हैं तो एकदम शांति महसूस होती है। तो हर कोई शांति चाहता है, आनंद चाहता है, प्रेम चाहता है, क्योंकि आनंद शांति और प्रेम ये हमारा अपना नॉर्मल नेचुरल स्वभाव है, ये आत्मा के गुण है। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, चेतन सहज सुख राशि, अमल है, तो कोई मल नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है उसमें। मल मतलब राग द्वेष, ये मल है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है,
सहज सुख राशि है, सुख स्वरूप है, लव पीस एंड जॉय आनंद हमारा ये नेचुरल नॉर्मल स्वभाव है। एक थोड़ा दृष्टांत सुना दे, मैंने आज देखा था तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा वैराग्य का है पर सुन लीजिए। गौतम बुद्ध के पास लोग आया करते थे तो वो किसी को तो संघ में ऐसे ही शामिल कर लेते थे, बुद्धम संगम शरणम गच्छामि, तो वो कहते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण होकर शांति प्राप्त करो। तो हम भगवान की शरण, बुद्ध क्या है, वही हमारी आत्मा, वही बुद्ध। तो जब भी कोई उनके संग में आता था तो वो उसे कहते थे कि या तो एकदम उसको ले लेते थे अपने संग में, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी से कहते थे तुम एक रात उसमें बिताओ शमशान में। तो एक प्रेमी आता है, वो कहता है कि मुझे आपके उसमें सम्मिलित होना है, तो कहते हैं एक दिन और एक रात तुम वहां बिताओ। तो कहता है मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगा, वहाँ तो भूत रहते हैं। तो उन्होंने कहा तुमने भूत को कभी देखा है? बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो बोले पर लोग कहते हैं। तो बोले तुम खुद जाके अनुभव करो, लोग कहते हैं उससे क्या होता है, तुम खुद जाओ। तो वो जाता है, पहले दिन तो बीत जाता है, जब रात आती है तो उसको बहुत डर लगता है। वो चार अपने शिष्यों को भेज देते हैं कि जाओ तुम्हें साधक का ध्यान रखना और इसके चारों तरफ रहना, पर इसको पता ना लग पाए कि तुम लोग हो। कहते हैं ठीक है, फिर वो उसको कह देते हैं कि जो तुम अनुभव करो मुझे आके बताना। तो एक दिन और एक रात वो वहाँ रहता है, दूसरे दिन बुद्ध के पास आता है। बुद्ध पूछते हैं तुम्हें क्या अनुभव हुआ? तो बोले मैंने देखा कि एक बहुत अमीर आदमी की अर्थी आई थी, तो बहुत सारे लोग उसके साथ थे और उसको चंदन की लकड़ी में जलाया गया और लोग कह रहे थे बहुत पैसे वाला था, अच्छा आदमी था। बस फिर एक गरीब आदमी आया, उसको साधारण लकड़ी में जलाया गया। तो मैं देख रहा था कि पैसे वाले का अंत भी वही है, गरीब का अंत भी वही है। बोले फिर एक स्त्री का शरीर आया तो उसका पति बहुत विक्षेपित हो रहा था, रो रहा था कि भाई मेरी पत्नी चली गई अब मैं कैसे रहूँगा, उसका बेटा भी रो रहा था। देख कितनी आसक्ति कर लेते हैं हम, है ना, कितनी आसक्ति कर लेते हैं शरीरों से, मेरा मेरा मेरा। हमारे जितने भी गीता के श्लोक हैं वो सब आसक्ति पे बेस्ड हैं इस समय जो हम चल रहे हैं। तो कहते बहुत दुखी हो रहा था वो। बोले फिर रात को क्या हुआ? बोले रात को पहले पत्ते खड़खड़ाए मुझे उनसे हवा चली, तो पत्ते खड़खड़ाए मुझे उनसे डर लगा, फिर जानवरों की आवाज़ आई, उल्लुओं की आवाज़ आई, मुझे उससे डर लगा, पर फिर कोई भूत भूत नहीं था। बोले भूत का डर निकल गया? बोले हाँ निकल गया। फिर वो उससे कहते हैं अब तुम जाओ आश्रम में आराम करो और कल एक दिन और एक रात फिर बिताना। बोले मैंने कैसे तो बिताई है और अब एक दिन और एक रात और बिताऊं? बोले जो तुम्हें अनुभव होना चाहिए था वो नहीं हुआ, फिर जाओ। उसको फिर भेजते, फिर जाता है। उसको संघ में शामिल होना था, क्या करता, फिर जाता है। फिर आता है, देखता है पूरे दिन, फिर बुद्ध के पास आता है। बुद्ध कहते हैं आज क्या देखा? बोला आज मैंने पहले तो देखा काफ़ी अर्थियाँ आ रही हैं, जल रही हैं, फिर मैंने देखा कि मेरा शरीर भी एक अर्थी पर जा रहा है और मेरे पिता रो रहे हैं, मेरा भाई रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं। तो मेरे पिता से लोग कह रहे हैं इतनी छोटी उम्र में चला गया, ये कोई उम्र थी जाने की। मेरे भाई से कह रहे हैं अब तुम्हें ये सब संभालना है, तुम्हें अकेले वारिस हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उठूँ, मैं पिता को गले से लगा लूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं अपने भाई को गले से लगा लूँ, पर मेरे में सांस ही नहीं है। फिर
बोले मुझे धीरे धीरे मेरी अर्थी जलने लगी तो मुझे गर्माहट महसूस हुई, फिर धीरे धीरे मेरा सब कुछ जलने लगा, तो मैं चाहता था मैं उठूं पर मैं उठ नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे राख हो गई और केवल राख ही बची रही, तो मैंने देखा सब कुछ सब जगह राख ही राख है और कुछ नहीं। तो बुद्ध बोले अब तुम संघ में आ सकते हो क्योंकि तुमने जान लिया कि जीवन नश्वर है, जीवन जो है वो नश्वर है, यहां सबका एक ही अंत होना है, राजा हो या रंग, सबका एक ही अंत वो है ना, एक भजन भी तो है, सुख के सब साथी दुख का ना कोई, दुख में केवल एक मेरे राम। सच्ची तो ये तो खैर ये दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं तुम्हारे अंदर अब ध्यान का बीज पड़ गया है। किसका बीज पड़ गया है? ध्यान का। बोले फिर रात भर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। फिर उसने कहा दिन में जब मुझे मैंने देख लिया कि मैंने जान लिया कि मेरा शरीर भी नश्वर है, ये भी जाने वाला है, तो मुझे रात भर जरा भी डर नहीं लगा और अब भी मुझे कोई डर नहीं है। तो जब तक हमें जीने की इच्छा है, जब तक हमें सुख पाने की वासना है, हमें मान की इच्छा है, सुख की इच्छा है, पैसे की इच्छा है, सब ठीक बना रहे, मैं ठीक बना रहा हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे वाले ठीक बने रहे, जब तक ये इच्छा है तब तक हमें भय व्याप्त है। और जब हमें समझ में आ जाता है कि सभी कुछ नश्वर, सभी कुछ जाने वाला है, तो हमारे भय की वृत्ति खत्म हो जाती है और हमें कुछ डर नहीं लगता और हमारा मन शांत हो जाता है। तो बुद्ध ने कहा अब तुम्हारे अंदर ध्यान का बीज पड़ गया है, अब तुम स्वतः ही ध्यान कर पाओ। समझ रहे हैं आप? तो गुरु कहते हैं ज्ञान के साथ साथ वैराग भी जरूरी है ना, ध्यान के साथ साथ वैराग भी जरूरी। अब चलिए ये आप लोग विचार करिएगा इस दृष्टांत पर, हम लोगों ने पिछली बार लिया था उसको पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है। अब देखिए विषयों का चिंतन करेंगे, जिस चीज़ का आप चिंतन करेंगे उसमें आसक्ति होगी, उसमें आसक्ति होगी जिसका चिंतन करें। चिंतन किसका करेंगे? जिसको आपने राग पूर्वक भोगा होगा, जिस चीज में आपका राग होगा उसी का तो चिंतन करेंगे। देखिए पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सबसे ऊपर रखा गया शब्द का विषय, तो शब्द में हमारा सबसे ज्यादा राग होता है। शब्द मतलब मान और अपमान, कोई हमसे बुरी तरह बोल देता है तो वो हमको चुभता ही रहता है। अच्छा जो 90% चीज़ें अनुकूल हैं वो नहीं याद आएंगी, पर 10% चीज़ें जो हमारे प्रतिकूल हैं, जो किसी ने बुरी तरह बोल दिया, बुरी तरह कर दिया, वो हमें बार बार रिपीट होगा। क्यों? जो अनुकूल है वो क्यों नहीं रिपीट होता, उसका क्यों नहीं शुक्राना मानते 100 बार 1000 बार? जो प्रतिकूल है वही क्यों रिपीट होता है? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ही अगेंस्ट वर्क करता है, वही नेगेटिव चीज़ों को निकाल निकाल कर लाता है, क्योंकि हमारे माइंड की फीडिंग ऐसी है, तो वो नेगेटिव चीज़ों को निकाल के लाती है और उन्हीं को रिपीट करती है। क्यों? अब देखिए ये तो हमने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड की बातें सुनी, अब गीता क्या कह रही है? गीता कह रही है उस विषय में तुम्हारा राग है, तो सबसे ज़्यादा राग हमारा मान और अपमान में होता है, होता या नहीं बोलिए? कोई हमसे बुरी तरह बोल दे, अच्छा कोई 1000 बार अच्छी तरह बोले तो उसका इतना चिंतन होता है? उसका नहीं होता। और जो 2 बार बुरी तरह बोल दे वो उसका चिंतन होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा मान में राग है। जैसे किसी एक बार किसी ने मेरे सामने पूछा था प्रश्न गुरु जी से, दादा भगवान से,
कि मुझे मान की तो इच्छा नहीं है पर अपमान बहुत बुरा लगता है, कोई बुरी तरह बोल दे तो। उन्होंने कहा ये अपमान बुरा नहीं लगता, ये तुम्हारा मान में राग है, समझ रहे। अपमान हमें क्यों बुरा लगता है? क्योंकि मान में हमारा राग है, इसलिए हमें अपमान बुरा लगता है। अरे किसी ने कुछ भी कह दिया क्या हो गया, मैं क्यों उसका चिंतन कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा मान में राग है, आसक्ति है, मुझसे बुरी तरह बोला, अब मैं उसका चिंतन करूँगा। मैं नहीं भी चाहता उसका चिंतन करूँगा, मैं नहीं चाहता उसका चिंतन करना, पर मेरा माइंड चिंतन कर रहा है। मैं चाहता हूँ उसको हटा दूँ पर नहीं हटा पा रहा, क्योंकि उसमें राग है, उसमें आसक्ति है, मान में आसक्ति। अब उससे ज़्यादा आसक्ति, उससे ज़्यादा राग हमें अपने उद्धार में हो जाए, भगवान में हो जाए, तो मान का राग निकल जाए, समझ रहे हैं? फिर सबसे पहले आता है मान, मां शब्द स्पर्श, स्पर्श है मोह, आसक्ति, मेरा वाला, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। माताओं को होता है बेटा, पति को होता है पत्नी, या बच्चे, माताओं को होता है बच्चे। तो ये मान का, उनको कुछ हो जाता है तो उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का चिंतन, है ना। अब उनका बार बार चिंतन चलेगा, क्यों? क्योंकि उनमें राग है। देखिए बेस में क्या है, राग, बेस में क्या है, आसक्ति। अब ठीक है, हो गया, अब हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, हम तो उन्हें कंट्रोल कर नहीं सकते, वो बैठे हैं वहाँ, हम बैठे हैं यहाँ, हम क्या कर सकते हैं? केवल उनके लिए एक शुद्ध भाव भेज दीजिए, प्रेयर कर दीजिए, भगवान से छोड़ दीजिए, भगवान आप संभालने वाले हैं, आप कराएंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बताया था आपको पिछली बार, प्रेयराइज, विजुअलाइज एंड एक्चुलाइज। पहले प्रेयर करिए, फिर विजुअलाइज करिए। जैसे माताएं अक्सर कहती हैं बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, बोला पहले प्रेयर करिए कि सब खा पी लेते हैं, फिर उसको विजुअलाइज करिए अच्छे से खा पी रहे हैं, और फिर उसको आप एक्चुअल में होते हुए देखेंगे, है ना। मतलब एक छोटा सा वो है एग्जाम्पल, कुछ भी हम चाहते हैं, कुछ भी हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए पहले प्रेयर करें, फिर उसको विजुअलाइज करें ऐसा हो रहा है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन कभी मत करिए, नेगेटिव बात कभी मत बोलिए। प्रेयराइज, विजुअलाइज एंड एक्चुअलाइज। तो फिर मोह, मोह कैसे खत्म हो भाई? आप उनके लिए प्रेयर कर दीजिए, फिर भगवान पे छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए, आसक्ति मत करिए। आसक्ति करेंगे तो उनका राग पूर्वक चिंतन होगा, शब्द स्पर्श रूप, फिर अपने कपड़ों में कितना राग होता है मनुष्य को, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो इससे भी धीरे धीरे अपना मन हम निकालते जाए, देखिए एकदम तो नहीं निकलता पर धीरे धीरे निकालते जाए, किसी भी चीज़ में मेरा राग ना रहे। शब्द स्पर्श रूप रस, फिर खाने पीने। अब किसी का किसी विषय में राग ज़्यादा होता है, किसी का अपने रूप में ज़्यादा होता है, किसी का रस में खाने पीने में ज़्यादा होता है, किसी का बच्चों में ज़्यादा होता है राग, हर एक का राग का विषय अलग होता है, और किसी का सब में होता है राग, शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी और गंध भी। गंध का तो खैर सत्संग में आने वालों का नहीं होता, परफ्यूम लगाते हैं, वो सब करते हैं, बदबू आती है। तो बोला ये सारे विषय जो है, जब हम राग पूर्वक इनको भोगते हैं तो इनका चिंतन चलता है, और यही राग अगर हम भगवान में कर लें तो हमारा संसार से राग कटता जाए, और जब राग कटेगा तो चिंतन नहीं चलेगा। नाम जप क्या है? नाम जप से भी हमारा राग भगवान में होता है। प्रार्थना क्या है? भगवान मेरा राग आप में हो, आप अच्छे लगे। थोड़ी देर तो हम संसार के कामों से हटकर भगवान के लिए बैठते हैं ना, माला लेकर, उनके लिए, केवल उनके लिए माला लेके। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये भी काम कर रहे हैं, वो तो आप एक कोने में बैठते हैं ना उनके लिए, सुबह 5 से 6, सुबह 5 से 6 जब जल्दी उठ जाते हैं उन्हें 4 से 5, बस स्वयं बहुत अच्छा होता है उस समय। सब संत लोग अपना भजन कर रहे होते हैं, तो आप भजन करिए, थोड़ी देर भगवान के साथ बैठिए, तो उनमें राग, अब हम उनके साथ बैठते तो है नहीं, उनका चिंतन तो करते नहीं है, तो उनसे राग कैसे होगा?
भी जिसका चिंतन करेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, उसी से तो राग होगा। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से क्या होती है? कामना। कामना नहीं पूरी होती तो क्या होता है? क्रोध आता। जब जब आपकी कामना पूरी नहीं होगी, किसी ने बुरी तरह बोला तो मुझे मान की कामना है तो मुझे अपमान पे गुस्सा आएगा। अगर मेरे मोह वाले को कुछ किसी ने कुछ होगा तो मुझे मतलब उसके बात नहीं होगी, उसके अगेंस्ट कोई बोलेगा, कोई बात होगी या वो मेरे अगेंस्ट चलेगा तो गुस्सा आएगा, दुख होगा, कुछ भी, क्रोध। मेरे अगेंस्ट अनुकूल प्रसाद नहीं मिलेगा तो गुस्सा आएगा। जो मिर्च ज़्यादा डाल दी, कुछ डाल दी, अब नहीं खाया जा रहा, क्या करें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें पता चलता है ये हमारा राग है, और राग से उसका चिंतन चलता है और फिर गुस्सा आता है। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप समझ लीजिए कि आपके इस विषय में राग है। कितने लोगों को गुस्सा आता है जब है? कितने लोगों को गुस्सा आता है? आप लोगों को नहीं आता? कम लोगों को आता है गुस्सा, वो तो कह है ना, ज़्यादातर लोगों को गुस्सा आता है ना। तो गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारा उस विषय में राग। भगवान में कैसे राग मिटे? भगवान से राग होता जाए, अपनी उन्नति से राग होता जाए। भाई मेरा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है? देखिए दो हमारे गोल ऑफ लाइफ है अपने लिए बता सकते हैं कि एक तो हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, जैसे चैतन्य महाप्रभु का था, जैसे मीरा का था, ऐसा मेरा प्रेम। एक गुरु कहते हैं सेवा करो, सबका भला हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सबका भला हो, सबका भला हो, सबको, सबका भगवान में मन लगे, सबका भगवान में मन लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो, सबको खाने पीने को मिले, कोई भूखा ना रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो और सब भगवान में लगे, सबके जीवन में सुख शांति हो। ऐसी प्रेयर दिन में कई बार कर दिया गया। अब हम लोग वहाँ गए भीमताल, तो सब लोग जो भी मिला जितना भी हो सकता था सबको देते गए, सबको देते गए, देते गए, देते गए, देते जितना भी हो सकता था, बहुत सारे थे, सबने मिलकर करा। सब आप लोगों का सहयोग है, सब आप सबका वो है, प्रेम है, सबका सहयोग है, उसी से होता है सब। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अपना, सबके सहयोग से जो आता है। तो सबको ब्लेसिंग्स, सबको प्रेम और सबको तन मन धन से, सबके लिए वाइब्रेशन अच्छी, और सब तीनों आप खर्च करते हैं तो सबको शांति मिलती। फिर वहाँ पे जब हम लोग आ रहे थे तो पूरा स्टाफ, हम तो 7 बजे निकल लिए थे, पूरा स्टाफ आ गया था होटल का 7 बजे, और फिर उनके फ़ोन भी आए, उनके मैसेज भी आए। क्यों? क्योंकि सब लोग प्रेम अनुभव करते हैं। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं। तो हर एक को दुनिया में प्रेम की ज़रूरत है, हर एक किसी को प्रेम की, शांति की, आनंद की। कम से कम हम वाइब्रेशन तो अच्छी दे सकते हैं। अब देखिए इसके जो श्लोक हमने पढ़ा था, इसका नेक्स्ट श्लोक बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण निर्मल की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। कहने वो विषयों का चिंतन कैसे कर रहा है? राग से। तो उसका राग में चिंतन करने से क्या हो रहा है? उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। जब वो राग से चिंतन कर रहा है तो उसका उसकी आसक्ति से कर रहा है, राग से कर रहा है, राग द्वेष से कर रहा है, तो उसको गुस्सा आ रहा है। और ये कैसे कर रहा है? इसका अंतःकरण इसके वश में है,
इसकी मन और इंद्रियां इसके वश में है, इसकी इंद्रियां राग और द्वेष से रहित है। ना इसको मान में राग है, ना इसको मोहासक्ति में राग है, ना इसको रूप में राग है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, राग है। और ना इसको खाने पीने में राग है, जो मिल गया वो प्रसाद है। देखिए, प्रसाद और भोजन कहने में उसकी वो नहीं बदल जाती, उसकी एनर्जी नहीं बदल जाती। आप भोजन कहिए, आज आप खाना खा लो, जैसे एक बार उन्होंने अपने मामा जी के यहाँ फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि हमारे खाने का टाइम है। बोले तुम अभी तक खाना ही खाते हो, बहुत पहले की बात है, तुम अभी तक खाना ही खाते हो। तो पहले तो इनकी समझ में नहीं आया उनका था तुम्हारे यहाँ प्रसाद नहीं बनता, आपके यहाँ खाना बनता है या प्रसाद बनता है? तो अब हम प्रसाद कहते हैं और एक खाना कहते हैं, तो दोनों की एनर्जी में कितना फ़र्क है। देखिए, फ़र्क है या नहीं? बहुत फ़र्क है। प्रसाद कहते ही उसमें भगवत भाव आ जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, वही अंतःकरण आपके वश में है, आपकी इंद्रियां राग द्वेष रहित हैं, तो वही विषयों का सेवन कर रहे हैं आप, पर आप अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होंगे, आपके दुखों का अभाव हो जाएगा और आपको परमात्मा भी मिल जाएंगे। पर क्योंकि आपका राग नहीं है, देखिए राग पूर्वक आसक्ति पूर्वक भोगेंगे तो दुख होगा, गुस्सा आएगा, और बिना राग के भोगेंगे, बिना राग के भोगेंगे, अंतःकरण वश में है तो क्या होगा कि दुखों का अभाव हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, एक चीज हम समझते हैं, दो दुनिया है, एक तो बाहर की दुनिया है और एक हमारी अंदर की दुनिया है, ठीक। अंदर की दुनिया हमारा अंतःकरण है और बाहर की दुनिया जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, हमारा घर परिवार, इतनी सारी दुनिया है। तो अब हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी अंदर की दुनिया को? पर हम कंट्रोल किसको करना चाहते हैं? हमें गुस्सा कौन दिलाता है? और हम ब्लेम किसको करते हैं? बोलिए, गुस्सा मुझे किसने दिलाया? तुमने। पर राग के कहाँ है? इधर। राग किधर है? आसक्ति किधर है? इधर। तो इधर गड़बड़ है या उधर गड़बड़ है? तो मेरा राग मुझे मेरा मान में राग है तो मुझसे बुरी तरह बोला गया, तो मेरे मान के राग ने मुझे दुखी करा क्या? उसने मुझे दुखी करा, पर मेरा मन वश में है, मेरा अंतःकरण मेरे वश में है, तो फिर मुझे फील होगा अपमान? नहीं फील होगा। मेरी भगवान में राग है तो कह रहा है ठीक है, लोगों तो गालियां दे दी, गौतम बुद्ध पे लोग थूक गए, कुछ भी कह सकता है कोई। अम्मा मान, हमारे सामने भी अम्मा जी को एक उनकी पत्नी आती थी तो उन्होंने खूब आके अम्मा जी को भी गालियाँ दी थी कि तो आप क्यों बुलाते हैं मेरी पत्नी को? तो अम्मा जी ने कहा हम तो नहीं बुलाते, आप नहीं आना, आपको रोकना है तो आप रोक लीजिए। बोले मेरे कहने से वो रुकती ही नहीं है। तो उसको कुछ तो मिलता होगा ना, अम्मा जी ने कहा कुछ तो मिलता होगा तभी तो आती है। तो कोई कुछ भी कहे, पर अगर हमारा राग नहीं है तो कह रहे हैं अगर आपका अंतःकरण आपके वश में है और बाहर कुछ भी हो रहा है तो हम दुखी नहीं होंगे और हम परमात्मा को भी प्राप्त हो जाएंगे। और विषय वही है, वही शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पांचों विषय आपके चारों तरफ है, वही सेम, पर उधर आपके राग है, इधर आप राग द्वेष रहित हैं। अगर आपका बच्चों में राग नहीं है तो आप दुखी नहीं होंगे, आप प्रेयर कर देंगे, भगवान से कह देंगे, पर दुखी नहीं होंगे। आपका मान में राग नहीं है तो आप दुखी नहीं होंगे। तो किसी भी चीज़ में हमें दुखी हो रहे हैं तो हमारा वहाँ राग है, हमारी आसक्ति, वो हमें दुखी कर रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा राग द्वेष रहित इंद्रियों का सेवन करना,
देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारा जो अंतःकरण है, हमारे जो इनर वर्ल्ड है, जो इनर वर्ल्ड है हमारा, अंतःकरण जो है, उसके हमारे अपने कुछ संस्कार हैं, ठीक है। तो उसके संस्कार अब हमने कैसे बना लिए, चिंता, फिकर, राग, द्वेष, स्ट्रेस, ये सब बना लिए। पर हमारा जो अपना स्वरूप है, आत्मा, भगवान, उसके उसके स्वभाव संस्कार क्या है? आनंद, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति, फॉरगिवनेस, सबको माफ़ कर देना, सबके लिए प्रेम का भाव रखना, ये हमारे अपने असली स्वभाव है। तो कोई भी कारण परिस्थिति आने पर हमारा संस्कार क्या है वो निकल कर आएगा। तो हमारे जो अपने ओरिजिनल संस्कार है वो निकल कर आने चाहिए, आनंद, शांति, प्रेम, वननेस, सेमनेस, फॉरगिवनेस, वो निकल के आने चाहिए। या जो हमने बाहर की दुनिया से संस्कार ले लिए वो निकल कर आने चाहिए, अंदर के संस्कार। और निकल कर कौन से आते हैं? कोई कुछ कहता है तो हम एकदम रिएक्ट करते हैं, क्यों? नहीं भी करते तो मन चलने लगता है। तो वो अपने संस्कारों से बोल रहा है, पर मैं, वो कैसे संस्कारों से बोल रहा है? बाहर के संस्कारों से। और मुझे कौन से संस्कारों से बोलना है? अपने भगवान के संस्कारों से, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ ना। ये तो हम सब कहते हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे, पर उनके बच्चे कब हैं? जब उनके संस्कार भी तो आए हमारे अंदर। उनके संस्कार तो है नहीं हमारे अंदर, आनंद, शांति, प्रेम, प्योरिटी, पीस, लव, ये सब हमारे संस्कार है ना। तो हम क्या, भगवान के बच्चे तो हैं पर उनके संस्कार तो हमने लिए नहीं, संस्कार तो हमने बाहर के लिए लिए सारे। तो देखिए, बाहर की दुनिया, देखिए पहले जब हम लोग जब पले, जितने लोग बैठे हैं वो 60 से ऊपर के होंगे या 50 से ऊपर के होंगे, बच्चों को छोड़ दीजिए। तो जब हम छोटे थे तो जैसे माता पिता कहते थे वैसे हम मान लेते थे या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, आजकल के बच्चे नहीं मानते। तो बाहर की दुनिया मुश्किल होती जा रही है। अब ये कोई पुरानी बात है या आज की बात है? आज की बात है। अच्छा, हमारे बच्चों के बच्चे वो और भी बिल्कुल ही नहीं सुनते, ठीक। तो अब दुनिया बाहर की आउट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होती जा रही है या नहीं? होती जा रही है या नहीं? होती जा रही है। तो बाहर की दुनिया को तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर अपने इनर वर्ल्ड को, अपने इनर संस्कारों को, अपने इनर वर्ल्ड को, तभी तो ये कह रहे हैं अपने मन को वश करो, अपने अंतःकरण को वश करो, अपनी इंद्रियों को राग द्वेष रहित करो, अपनी इंद्रियों को राग द्वेष रहित करो, वैराग लो। गौतम बुद्ध वाला दृष्टांत सुनाया ना, कि उनको उन्होंने तब उसको संघ में सम्मिलित किया, देखा सब कुछ नश्वर, सब कुछ जाने वाला है, अब तुम इसमें आने के लायक। तो हमारा राग क्यों होता है? क्योंकि हम नश्वर नहीं समझते। तो बाहर की दुनिया को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए कोरोना आया, हम कंट्रोल कर पाए? बच्चे अपने मन से चलते, हमारी बात नहीं सुनते, पर हम शांति से बोल सकते हैं। देखिए, जिसका मन वश में होगा तो उसके घर में भी सबका मन वश होगा, और वो कोई बात कहेगा तो लोग मानेंगे, क्योंकि उसका अपना मन वश में है। अब हमारा ही मन वश में नहीं है। एक सतोगुण वाला होता है तो पूरे वातावरण को इफेक्ट कर देता है। कहते हैं अगर संकीर्तन हो रहा हो तो एक सतोगुणी बैठा हो तो पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। अब देखिए, बहुत से एग्जाम्पल्स भी होते हैं। अब मीरा के तो इतनी भक्ति वाली थी, पर उसके घर में कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा उसका? कितने लोगों पर पड़ा बताइए? हैं, किसी पे भी नहीं पड़ा। क्यों? सब फ्यूज बल्ब थे। समय समय की बात होती है, पर देखिए आज तक मीरा का नाम गाया जाता है,
आज तक मीरा के पद गाए जाते हैं, आज तक मीरा का चरित्र हमने लिया तो आज तक उसका प्रभाव है। लोग कहते हैं मीरा का चरित्र बहुत अच्छा था, मीरा का चरित्र बहुत अच्छा था। चैतन्य महाप्रभु देख लीजिए, मेरे जो तो वही मुझे तो उन्हीं का बहुत अच्छा लगता है, कैसे वो हर समय उनके द्रवित रहता था चित्त भगवान से, और जिसको छू देते थे या जो जो संकीर्तन करते हुए निकलते थे तो जो उनकी भक्ति का प्रभाव था, सब नाचने लगते थे, शेर चीते हाथी और सब चारों तरफ उनका उनका ऑरा फैल जाता था। ऐसा ऐसे नाम नाम उन्होंने कितना नाम का प्रचार किया, नाम अवतार कहा जाता। तो उनकी इनर वर्ल्ड में, उनकी इनर वर्ल्ड में, उनके अंतःकरण में इतनी भक्ति थी, इतना भगवान का प्रेम था, इतना उनका प्रेम था। उन्होंने कहा ना, अपना घर छोड़ा, अपनी माँ छोड़ी, नदी में कूद गए जनवरी के महीने में, किस लिए? हमारे लिए, हमारे लिए कि सबको भक्ति मिले, सब घर घर में नाम फैले, घर घर में सबको शांति मिले। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि घर घर में सत्संग हो, सबको शांति मिले। कम से कम गुरु कहते हैं ना, तीन तरह से हम सेवा कर सकते हैं, तन से, मन से और धन से। तो चलिए तन और धन तो लिमिटेड है, पर मन से तो हम सब कर सकते हैं। सबका भला हो, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मन भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो। बार बार कहिए, बार बार कहिए, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजिए। और कोशिश हो कि धीरे धीरे हमारा राग संसार से कम हो, भगवान में राग हो और हमारा इनर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में आता जाए। आउटर वर्ल्ड को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, हमने आपको दिखाया एक जनरेशन में कितना फर्क पड़ गया है ना। हम अपने बच्चों की बात मान लेते, हमारे बच्चे हमारी नहीं मानते, उनके बच्चे उनकी बिल्कुल ही नहीं मानते। तो बाहर की दुनिया पे अगर हम आधारित होंगे तो बाहर की दुनिया तो आउट ऑफ कंट्रोल जा ही रही है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई बुरी तरह बोलता है तो क्या हम शांति से जवाब दे सकते हैं? अपनी बात तो कह सकते हैं हम, है ना। और हमें कोई नहीं पूछता तो ना पूछे, ठीक है। हमको हमारा इतना राग भगवान में होना चाहिए कि हमें अपना मन लगाना आना चाहिए। हमारे पास इतने सारे अपने नियम हैं, इतना कुछ पढ़ने को। देखिए, पढ़ते लिखते रहते, मैंने अपना एक मेरा अपना छोटा सा अनुभव है कि जब तो हम करते रहते हैं पर जब तक पढ़ते लिखते नहीं हैं या सत्संग नहीं सुनते तो विचार नहीं मिलता। तो विचार नहीं मिलता तो उतना जो हम वो करते हैं, भजन करते हैं, उसमें इतना बल नहीं होता। पर जब हम पढ़ते लिखते रहते हैं, जैसे गीता भी पढ़ रहे हैं, इधर से सत्संग में लेना होता है, कल शाम को ही तो आए हम लोग दोपहर में, हाँ, तो फिर रात को भी पढ़ी, फिर सुबह भी उठ के पढ़ी, तो विचार चलता है। विचार चलता है तो फिर वैराग आता है, वैराग आता है तो फिर भगवान में राग होता है। जब संसार से वैराग आएगा तो भगवान में राग होगा या नहीं होगा? और संसार में ही राग होगा तो नहीं आएगा। भजन भी करें और अध्ययन भी करें, सत्संग भी सुने। गुरु की वाणी किस लिए पढ़ती है? हर रोज पढ़ती है, सुबह एक दिन एक वाणी जरूर पढ़ती है। भजन सुनना, भजन सुनना, भजन करना, उससे क्या होता है? राग होता है। और देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। प्रसन्नता क्या है? हर समय हम प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही हर समय प्रसन्न रह सकता है जिसका संसार में राग नहीं। किसी की सब परिस्थिति अनुकूल हो सकती है। देखिए, पैसे वाले भी दुखी रहते हैं। जैसे किसी ने बताया कि हमारी बहन जो है वो बहुत पैसे वाले घर में ब्याही है, तो उनके तीन फ्लोर्स हैं। एक पे वो खुद रहते हैं, एक उन पे बड़ा बेटा रहता है, एक पे छोटा।
फिर भी वो परेशान सी रहती है, कुछ मतलब बहुत पैसा है फिर भी परेशान सी रहती है, क्यों? सारी तो चीज़ें हैं, अब क्यों तुम परेशान सी? भाई कोई ना कोई चीज़ तो दुखी करती रहती है ना, आज ये ठीक नहीं हुआ, आज वो ठीक नहीं हुआ, आज उसने बुरी तरह कर दिया, आज ये अनुकूल नहीं हुआ, वो नहीं, किसके सब कुछ अनुकूल हो सकता है? पर हमारी इनर वर्ल्ड कंट्रोल नहीं है तो आउटर वर्ल्ड तो हमें दुखी करती रहेगी। फिर एक बात और है, आपका लक्ष्य बड़ा है, आप सबके हित में लगे हुए हैं, आप भजन में लगे हुए हैं, तो आप इतने व्यस्त हैं कि आपको बाहर देखने का टाइम ही, समझ रहे हैं? आपको बाहर देखने का टाइम नहीं है। जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है, यानी मानसिक तप जो है वो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है, अतः साधक को ना तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक त्याग करना चाहिए। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था ये सब्जी बना देना, तुम नहीं बनाती, आज से मैं ये खाऊंगा ही नहीं, पहले तो राग था उसमें, अब उसने नहीं बनाई तो अब नहीं खाऊंगा, अब क्या हो गया, कैसे त्याग किया? द्वेषपूर्वक। तो कह रहे ना तो राग पूर्वक भोगना है ना द्वेष पूर्वक त्यागना है, प्रसाद है, जो भोजन आ गया वो औषधि है, औषधिवत सेवन करी। जैसे एक आपको एग्जांपल देते हैं, हम लोग नैनीताल घूमने गए थे एक दिन, तो वहाँ पे एम्बेसी होटल में हम लोगों ने प्रसाद पाया था, तो जो मालिक थे उनसे कहा कि भाई यहाँ पे कितने वर्कर्स हैं, उनको हम कुछ सेवा कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो हमने देखा कि वो क्या खा रहे हैं मालिक साहब, तो मालिक साहब तो लौकी खा रहे थे, तो उनके होटल में सब कुछ था, बढ़िया से बढ़िया था, पर वो लौकी खा रहे थे और एक सादा सी सब्जी खा रहे थे। क्यों? उनके लिए कौन सा विषय अवेलेबल नहीं था? एक बात और बताएं, जैसे हम लोग जब पिछली बार गए थे तो वहाँ उसमें ठहरे थे कंट्री इन में, कंट्री इनके कुछ लोग हमारे सबसे मिलने आए थे, कुछ मिठाई विठाई लाए, वहाँ के जो वर्कर्स थे वो लोग बहुत प्रेम मानते हैं, गुरु भगवान ने उनकी बहुत सेवा करी थी, अभी भी सेवा चलती रहती है, और आप लोगों की तरफ से भी दिल्ली वाले प्रेमियों की तरफ से बहुत कपड़े, बहुत सारा गर्म कपड़े और बहुत सारा सामान गया था वहाँ लॉकडाउन के टाइम, बहुत शुक्राना है दिल्ली के प्रेमियों का और सभी गुड़गांव के प्रेमियों का, उन्होंने बहुत सामान भेजा था। तो दो प्रेमी मिलने आए थे तो कह रहे थे हमारे यहाँ 85-90 साइंटिस्ट आए हुए इस समय, उनका ग्रुप आया, बोले ऐसे बड़ी बड़ी हमारे यहाँ सेमिनार्स होती रहती हैं, बहुत बड़ा है कंट्री, कई मीलों में बना हुआ है। तो कह रहे थे 90-90 साल के लोग भी जो हैं वो कहते हैं हम अपने आप चलेंगे, वो कितनी दूर दूर से आए, कोई बम्बई से आया होगा, कोई कलकत्ता से आया होगा, कोई मद्रास से, उन्होंने बोले उनके बच्चे भी 70-70 साल के, पर उनके जीवन में एक लक्ष्य है, कोई 95 ईयर्स का है, कोई 90 ईयर्स का है। तो बोले जो 30-40 लोगों में पूरे हमारे डोंगे खाली हो जाते हैं, उसमें 108 लोगों ने खाली खाना प्रसाद पा लिया, फिर भी बहुत थोड़ा थोड़ा उन्होंने लिया, थोड़ा थोड़ा लिया सब, थोड़ा थोड़ा फल सब्जी ज़्यादा खाए, मतलब फ्रूट्स और सैलड्स वगैरह ज़्यादा लिए और खाना थोड़ा थोड़ा, तो सीखने को मिलता है ना, किसी विषय में राग नहीं है, थोड़ा थोड़ा ले लिया। आपने मानी अपने लिए लौकी बनवा ली, ठीक, अब और चीज़ें और भी हैं होटल में बहुत सारी, तो आपने थोड़ी थोड़ी ले ली, जो आपको सूट करता है वो थोड़ा ले लिया, ज़्यादा वो ले लिया जो सूट करता है और थोड़ा थोड़ा और। अम्मा जी कहते थे टेस्ट सब करो पर आसक्ति किसी में मत रखो, जो सूट करता है। अब ये होटल के मालिक क्यों खा रहे थे लौकी? वो भी खाते अपना दम आलू और वो शाही पनीर और वो भी खाते, पर उन्हें पता है रोज़ खाएंगे तबीयत खराब हो जाएगी, अल्सर्स हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, पेट खराब हो जाए, उन्हें अपने प्रसाद की कहानी पता है पता है ना क्या पड़ता है उसमें। तो इसलिए कह रहे हैं कि साधक को न राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए ना द्वेष पूर्वक त्याग करना चाहिए। प्रसाद है पा लिया, जो कपड़े आए भगवान ने दिया है तन ढकने के लिए वो पहन लिए, ठीक है। अम्मा जी कहते थे सत्संग में जाते हो तो बाल काढ़ के साफ सुथरे बिंदी लगा के साफ सुथरे आना चाहिए, पर राग किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, ना राग ना द्वेष।
क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से संसार से संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से क्या होता है, संसार से हमारा संबंध जुड़ता है। राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है तो वो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जब आपका कहीं राग नहीं है और द्वेष भी नहीं है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से द्वेष, बीच बाजार कबीरा मांगे सबकी कह, क्योंकि ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से द्वेष, तो आपका सबसे प्रेम हो जाएगा। जब हम राग करते हैं एक परिवार से तो सबके हित के लिए नहीं सोच सकते, हमें वो बहुत लिमिटेड कर देता। जैसे कल एक प्रेमी ने बताया कि एक व्यक्ति का मोह छूटा तो अब देखिए कितने लोगों का हित हो रहा है। तो एक व्यक्ति का मोह, एक परिवार का मोह छूटा तो आप सबके लिए जी सकते हैं, सबके लिए सोच सकते हैं, आपकी सोच विराट हो जाती, आपका मन विराट हो जाता है। देखिए मुझे पॉइंट बहुत अच्छी लगी, भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता, इन दोनों से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वे शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। या तो प्रसन्नता या व्याकुलता, दोनों बढ़ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि आने ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए। व्याकुलता हुई ना, तड़प भगवान के लिए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर भगवान से जा मिले, शरीर को वहीं छोड़ दिया और भगवान से जा मिले। परंतु संसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। पर जब हम राग से किस चीज़ को भोगते हैं तो फिर हमारा संस्कार दृढ़ होता है। बच्चों को जो बहुत लाड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत चिपकाते हैं, तो उनका राग पक्का होता है। भगवान के बच्चे, भगवान का घर है, सेवा हो रही है, बस ठीक है। देखिए भगवान तो निष्पक्ष है, निर्वैर है, हर समय आपको टाइम देने के लिए तैयार है। आप उनको अपने मन की 100 बातें, 1000 बातें 24 घंटे कर सकते हैं, वो तो हर समय अवेलेबल है, हर समय आपकी बात सुनने को तैयार है, हर समय आपको दे ही दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, दिल की धड़कनें दे रहे हैं, खाना पचा रहे, क्या नहीं दे रहे हो। उनसे ना प्रेम करके हम लगे पड़े हैं संसार में, जहाँ से हमें सिर्फ दुख 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 मिलता है। सेवा कर दीजिए उसकी मना नहीं है, पर घर वालों से राग करने से मिलता क्या है, बताइए क्या मिलता है, क्या मिलता है, जोर से बोलिए, दुख मिलता है। और सेवा कर दें तो प्रसन्नता होती, बिना राग के। सेवा कैसे करनी है, बिना राग के सेवा कर दीजिए। सेवा का ही संबंध है उनसे, राग का संबंध नहीं है। राग का संबंध हमारा भगवान से, प्रेम का, राग कभी नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। इस प्रकार गुण संग रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। परंतु संसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है उन दोनों में ही भोग के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का संबंध दृढ़ होता है। इसके उदाहरण मात्र से सामान्य प्राणी की जो प्रसन्नता और खिन्नता लेकर संसार में फंसे हुए हैं। हम लोग कैसे फंसे हुए हैं संसार में, प्रसन्नता और खिन्नता से, अनुकूलता से प्रसन्नता और प्रतिकूलता से खिन्नता। सुख अनुशय रागा, दुख अनुशय द्वेषा, जिससे सुख मिलेगा उससे राग, जिससे दुख मिलेगा उससे द्वेष होता जा। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित होता है, जैसे द्रवित मोम में रंग डालने पे मोम में रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर भगवत संबंधी सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। जब अंतःकरण द्रवित होता है ना तो जो भी भाव आते हैं पक्के हो जाते हैं। जब हम रो रो कर कोई बात कहते हैं ना, रो रो के, तो वो चीज़ हमारे अंतःकरण में दृढ़ हो जाती है। और जब भगवान के लिए रोते हैं तो उनका प्रेम दृढ़ होता है,
और जब संसार के लिए रोते हैं तो या तो द्वेष पक्का होता है या राग पक्का होता है। तो भगवान से यही कहें कि भगवान रोए तो आपके लिए रो। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न ना हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न ना हो। प्रिय से प्रिय वस्तु मिल जाए तो प्रसन्न ना हो, भगवान आपकी कृपा है, शुक्राना, और प्रतिकूल से प्रतिकूल वस्तु मिल जाए तो उद्विग्न ना हो, परेशान ना हो, भगवान का हर विधान मंगल। भगवान की तो सुख में भी और दुख में भी कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। कहने एक भोग का विभाग है, एक योग का विभाग। अगर आप राग द्वेष से भोगी मनुष्य अगर चिंतन भी करता है तो उसका पतन हो जाता है, और परंतु राग द्वेष रहित योगी मनुष्य विषयों का सेवन भी करता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, वो तो खा पी भी रहा है पर उसका राग नहीं है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और ये बेचारा खाली चिंतन ही कर रहा है राग द्वेष से तो इसका पतन हो जाता है। समझ रहे हैं, दिख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग सब? ये समझने के लिए है। राग द्वेष से चिंतन भी करेंगे तो पतन होगा, और आप सब सेवन भी कर रहे हैं पर राग द्वेष रहित है, भगवान में राग है तो सब कुछ प्रसाद आदि पाते हुए भी आप परमात्मा को प्राप्त हो जाए। राग द्वेष रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता अर्थात भोगजन सुख रस नहीं लेता, क्योंकि वह उसका देह नहीं है। वे भोगों को राग पूर्वक न भोगकर त्याग पूर्वक भोगता, त्याग पूर्वक। भाई अब शरीर है तो पहनेगा भी, शरीर है तो खाएगा भी, देखेगा भी, सुनेगा भी, स्पर्श भी करेगा, है ना, पर राग से नहीं। सब भगवान का राग कैसे मिटे, सब भगवान का है, सब भगवान का। हेनाथ आपको न भूल, सब आपका। त्यागपूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में इसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए विषयान चरण पद आया है। राग द्वेष रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है, प्रसाद मतलब प्रसन्नता। हरदम प्रसन्न रहें, कभी खिन्नता ना आए, नीरसता ना आए, वह प्रसाद है। हर समय प्रसन्न रहें, कभी नीरसता ना आए, कभी खिन्नता ना आए, इसे प्रसाद कहते हैं। मना प्रसाद, भगवान ने क्या बताया, शब्द क्या यूज करा, मना प्रसाद। हर समय मन प्रसन्न रहे, ये कब होगा, जब हमारे संसार से आसक्ति कटेगी और भगवान में राग। मन को तो राग चाहिए कहीं ना कहीं, तो कहीं रस चाहिए। इस प्रसाद की प्राप्ति में संतोष ना करें, उपभोग ना करें, तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करा देते। अब देखिए दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, भगवान ने देखा कि गोपियाँ मुझ में बहुत आसक्त हो रही हैं, तो उन्होंने कहा उनको एक लेसन देना चाहिए। तो उन्होंने गोपियों से कहा, देखो मेरे गुरु दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, तुम जाके उनको भोजन करा के आओ। तो उन्होंने कहा नदी तो गंगा जी तो बहुत चढ़ी हुई हैं, यमुना जी तो कैसे जाएंगे। तो उनका कहना कि कृष्ण ने किसी गोपी का मुख ना देखा हो तो यमुना जी नीचे हो जाए। तो उन्होंने कहा सारे तो ऐसा खेलते हैं कूदते हैं और कह रहे हैं मैंने गोपी का मुख ना देखा हो। बोले कहना तुम, तो उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण ने कभी किसी गोपी का मुख ना देखा हो तो यमुना जी नीचे हो जाए। तो यमुना जी नीचे हो गए। अब वो गई उनके पास दुर्वासा ऋषि के पास, खूब उन्हें प्रसाद पिलाया, खिलाया दही बड़े और पनीर शनी और खूब सब्जियाँ वब्जियाँ सब जो भी थी सब खिलाया, मिठाई खीर रसमलाई और रबड़ी सब खिलाई, सब उन्होंने प्रसाद पा लिया। बोले कि जब हम आए थे तो बहुत खुश हुई गोपियाँ, फिर बोले जब हम आए थे तो यमुना जी चढ़ी थी, अब जाएंगे तो फिर चढ़ी होंगी तो कैसे कहेंगे। तो बोले तो आए थे तो क्या कहा था, बोले कहा था कृष्ण ने कभी किसी गोपी का मुख देखा ना हो तो नीची हो जाए, तो नीची हो गई थी यमुना जी। बोले अब कहना
कि दुर्वासा ऋषि ने अगर एक अन्न का दाना भी ना खाया हो तो यमुना जी नीची हो जाए। बोले हैं ये वो तो छलिया है ही, ये उसे गुरु डबल छलिया। तो बोले यही उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि ने एक अन्न का दाना भी ना खाया हो तो यमुना जी नीची हो जाए। तो क्या हुआ, यमुना जी नीची हो गई। तो अब देखिए कृष्ण ने किसी गोपी से राग नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, किसी गोपी में उनका राग नहीं था और उनका दुर्वासा ऋषि का किसी प्रसाद में राग नहीं था। समझ रहे हैं, ये दृष्टांत बिल्कुल क्लियर करता है। तो उन्होंने कैसे भोग किया राग, तो उसको कैसे पाया, भोग तो नहीं कहेंगे, कैसे पाया राग द्वेष रहित। तो राग द्वेष रहित अंतःकरण, राग द्वेष रहित इंद्रियां से जब आप उस चीज़ को ग्रहण करते हैं तो वो आपको मन की प्रसन्नता भी देती है और परमात्मा की प्राप्ति भी करा देती है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्रिया।